सो दोस्तों, मेडबिक्री में अब लॉयल्टी प्रोग्राम का फीचर आ गया है। अब आपके कस्टमर हमेशा आपकी ही दुकान से चीजें खरीदेंगे और बार बार आपकी दुकान पर आएंगे। सो लॉयल्टी प्रोग्राम फीचर में आप कस्टमर को खुश करने के लिए उन्हें कुछ कैश पॉइंट्स के जरिए कैशबैक दे सकते हैं या उनके अगले परचेस पर कुछ राहत दे सकते हैं। आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मेडबिक्री में मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें लॉयल्टी प्रोग्राम सेट करना है। तो यहाँ लिखा है ₹100 गिव्स देम, यानी कस्टमर द्वारा ₹100 की खरीदी करने पर आप उनको कितने पॉइंट देना चाहते हैं वो यहाँ डिसाइड करें। मान लीजिए अगर आप ₹100 पे एक पॉइंट देना चाहते हैं तो यहाँ एक लिखिए, यानी अब अगर कोई ग्राहक 650 की खरीदी करता है तो उसको 6 पॉइंट मिलेंगे, कोई अगर 925 का खरीदी करता है तो उसे 9 पॉइंट मिलेंगे, और यही पॉइंट्स रुपए की वैल्यू में कन्वर्ट होंगे, यानी एक पॉइंट मतलब ₹1। तो इसे हम सेव कर देते हैं और हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम अब इनेबल्ड है। अब मान लीजिए दुकान में कोई कस्टमर आया और उसने कुछ दवाई की खरीदी की। इस कस्टमर का सेल रिकॉर्ड करना और उनको प्राप्त हुए लॉयल्टी पॉइंट रिडीम कैसे करें, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम कस्टमर सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हमारे कस्टमर का नाम डाल देते हैं दिलजीत सिंह, जो कि हमारे डेली कस्टमर है और कई बार पैसे बिना चुकाए चले जाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार इनका 985 का बिल बना है और वो इसे कैश से चुका गए हैं। तो जैसे कि हमने कहा था, 100 पे ₹1, यानी दिलजीत सिंह को 9 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि उन्होंने 900 के ऊपर की खरीदारी की है। आइए चेक करते हैं। इसके लिए हम मोर टैब में माय कस्टमर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ दिलजीत सिंह के प्रोफाइल पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दिलजीत का पिछला बकाया है ₹500 और नीचे 9 लॉयल्टी पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। हम उसे रिडीम करेंगे, रिडीम करने के बाद सेव कर देंगे। अब हम दोबारा उनका बही खाता चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, उनका पिछला बकाया था ₹500 पर आज उनके 9 लॉयल्टी पॉइंट्स के कारण उन्हें अब ₹9 कम चुकाने होंगे। तो ये था मेडबिक्री का लॉयल्टी प्रोग्राम फीचर। नए फीचर्स का लाभ लेने के लिए अपना मेडबिक्री ऐप अपडेट जरूर करें। थैंक यू।